हेलो एवरी वन माई नेम इज इशांत त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू टू पैडागॉग वी व्लास नाइन जोग्राफी और हम थे चैप्टर थ्री के अंदर जिसका नाम है ड्रेनेज सो so, uh, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है सो वी विल बी डिवाइडिंग इट इंटू टू हाफ टू पार्ट फर्स्ट हाफ में हम uh, कोशिश करेंगे रिवर्स के बेसिक को समझने के लिए प्लस हिमालयन रिवर्स सिस्टम को समझने के लिए हमारे दूसरे पार्ट के अंदर हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम प्लस कुछ जो वाटर बॉडीज होती है जैसे कि जो स्टिल वाटर बॉडीज होती है जैसे लेक्स उसको कंप्लीट करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द चैप्टर सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा ये ड्रेनेज वर्ड या कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब नदी की शुरुआत होती है ना तो वो कहीं ना कहीं से निकलती है कहीं से कहीं ओरिजिनेट होती है जहां से वो ओरिजिनेट होती है अक्सर नदियां जो है पहाड़ों से ओरिजिनेट होती है so point from which it originates, उसको हम कहते हैं सोर्स सोर्स ऑफ अ रिवर सो पहले टर्मिनोलॉजी हमारे सामने क्या आती है आती है सोर्स सोर्स मतलब जहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है पहली चीज दूसरी चीज जब रिवर आगे बढ़ती है तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो है उसके अंदर अपने पानी को कंट्रीब्यूट करती हैं इन इट्स कोर्स तो जो छोटी छोटी रिवर्स आके अपने पानी को कंट्रीब्यूट करती हैं इन अ रिवर उसे हम कहते हैं ट्रीब्यूटरी फॉर एग्जांपल अगर ये एक रिवर जा रही है और उस रिवर में एक छोटी सी रिवर यहां आके अपना पानी कॉन्ट्रीब्यूट करिए एक यहां कर रही है एक यहां कर रही है तो हम क्या कहेंगे ये सारी छोटी छोटी नदियां जो है वो इस मेन रिवर की क्या है ट्रीब्यू ट्रीज ट्रीब्यू ट्रीज ओके यही नदियां जब पहाड़ों से उतर के प्लेन से उतर के ऑलमोस्ट अपने एक नेक्स्ट वाटर बॉडी में मिलती है मतलब हर रिवर क्या होता है ना जैसे उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका एक एंडिंग पॉइंट भी होता है जहां पर आके वो रिवर एक बड़ी वॉटर बॉडी ज्यादातर जो कि लेक्स इन टर्म्स बहुत बड़ी लेक होती है कुछ कुछ आ, या फिर सी या फिर ओशन ऐसी वाटर बॉडीज में जाके वो मिल जाती है तो जहां वो जाके मिलती है वो कहलाता है उसका माउथ फॉर एग्जाम्पल ये नदी यहां जाके मिल रही है यहां एक बहुत बड़ा समंदर है तो ये रहा इसका माउथ सो दिस इज इट्स माउथ ओके अक्सर नदियां जब अपने माउथ के पास पहुंचती है ना तो उस टाइम पे उसका जो स्लोप है मतलब जो ग्रेडियंट है क्योंकि आपको यह तो पता है ना कि अगर ग्रेडियंट नहीं होगा तो नदी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी नदी क्या दुनिया में कोई भी चीज को आगे बढ़ने के लिए या कुछ मूव होने के लिए कुछ ना कुछ ट्यूमुलस की जरूरत है कुछ ना, कुछ ना कुछ फोर्स की जरूरत है तो नदियां इसलिए आगे बढ़ती हैं क्योंकि वो स्लोप को फॉलो करती हैं एक ग्रेडियंट को फॉलो करती हैं जब अपने माउथ के पास पहुंचती हैं तो ग्रेडियंट बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बहुत ही ज्यादा जेंटल हो जाता है स्टीप नहीं रहता बहुत ज्यादा जेंटल हो जाता है जिसका मतलब क्या होगा कि जो उसका जो उसका फ्लो है नदी का वो बहुत ही स्लो हो जाएगा बहुत ही धीरे हो जाएगा इसके साथ साथ आपको पता है जब नदियां शुरुआत से लेकर अंत तक चलती हैं तो वो बहुत सारा इरोजन करती हैं उनके रास्ते के अंदर जो भी पत्थर आता है उसको तोड़ती हैं तोड़ती तोड़ते 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 उन पत्थरों को वो सेडिमेंट्स में बना देती है जिसको जाके बाद में वो बिछाती हैं अपने प्लेन्स के एरिया में अब आप ये बताइए सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स कहां होंगे एक नदी के कोर्स में यहां जहां वो शुरुआत कर रही है यहां जहां वो मिडिल कोर्स में है या फिर यहां जाहिर सी बात है कि यहां अपने माउथ पे सबसे ज्यादा वो क्या होगा उसका डिपोजिशन होगा सबसे ज्यादा डिपोजिशन कहाँ होगा उसके माउथ पे होगा सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स यहां होंगे क्यों यहाँ से भी तोड़ के ला रही है बीच में से भी है बीच में से भी है और ऐसे करके लास्ट में ला वो ले आती है कुल मिला के ये दो पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं माउथ के पास एक नदी का जो स्लोप होता है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल हो जाता है जिसके वजह से उसका फ्लो बहुत धीरे हो जाता है दूसरी चीज वहां पर बहुत सारी रेत इकट्ठा करती है नदी सारे सेडिमेंट्स जो उसने लाए होते हैं अपने ऊपर से वो सारे लाके इधर सबसे ज्यादा डिपॉजिट करती है जिसके वजह से अब आप खुद सोचो अब आप खुद सोचो जब एक नदी यहां आके बहुत सारा डिपोजिशन कर रही है उसका स्लोप भी जेंटल हो जा रहा है तो वो क्या डिवाइड नहीं हो जाएगी बीच बीच में रेत नहीं आ जाएगा और इस तरीके से एक ट्रायंगुलर लैंड बन जाएगा और इसी लैंड को जो कि माउथ के पास बनता है ट्रायंगुलर लैंड ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन इसी को हम कहते हैं डेल्टा क्या कहते हैं इसे डेल्टा हाँ कुछ नदियां क्या होंगी थोड़ी शॉर्ट होंगी जिनका इतना लंबा कोर्स नहीं होगा तो वो ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं लाएंगी और जब वो ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं लाएंगी तो वो क्या करेंगी सीधा जाके वाटर बॉडी में बिगर वाटर बॉडी में अपने माउथ में वो जाके मिल जाएंगी जब ऐसा होगा तो इसे हम कहेंगे एसचुरी क्या कहेंगे इसे एस ओके सो okay. so, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी इसके अलावा और भी दो तीन चीजें इसको बता देता हूं मैं आई होप ये चीज सिंपल है मगर काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज ड्रेनेज का मतलब होता है एक रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया कोई भी एक एरिया होता है उस एरिया में एक बहुत बड़े एरिया में जो भी पूरा वाटर सिस्टम होता है वाटर सिस्टम का मतलब नदी उसके ट्रिब्यूटरीज उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज ये सब मिला के क्या बनती है एक पूरा वाटर सिस्टम ऑफ एन एरिया बनता है इसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज ये ड्रेनेज वर्ड पूरी चीज को डिस्क्राइब कर देता है और जो एक एरिया मतलब देख लो ये पूरा एक एरिया है जिसको ड्रेन कर रही है एक क्या एक नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज कुल मिला के हम कह सकते हैं एक रिवर सिस्टम के द्वारा जो पूरा एरिया ड्रेन किया जा रहा है उसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या बोलते हैं उसे ड्रेनेज बेसिन तो ये हमारी हो गई छठी टर्मिनोलॉजी ड्रेनेज बेसिन ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या हो गया एक पूरा एरिया जो कि एक रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन किया जाता है उसे हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन इसके बाद एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड देखो अक्सर क्या होता है ना एक ऐसा एलिवेटेड लैंड होता है मतलब जैसे मान लो कि एक लैंड है जो एलिवेटेड है जैसे पहाड़ प्लेटो ये क्या होता है अपलैंड होते, है, होते हैं तो जो एक एलिवेटेड लैंड या जो एक अपलैंड दो रिवर सिस्टम को अलग करता है रिवर सिस्टम का मतलब, होता है, एक river और river में है. मतलब हो गया एक सिंगल रिवर और रिवर सिस्टम का मतलब हो गया पूरी रिवर सिस्टम फॉर एग्जांपल गंगा यमुना प्लस अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विल मेक द गंगा सिस्टम इंडस The other tributaries of Indus will make the system of Indus. Similarly, Brahmaputra and its tributaries will make the system of Brahmaputra river. So systems are different and rivers are different. And mind you, when we are talking about water divide, we are talking about river systems, not rivers. So there is this elevated land or upland which divides the two river systems. प्लैंड और दैट एलिवेटेड लैंड इज नोन एज वॉटर डिवाइड क्या मतलब इसका यह देखो यह एक लैंड है जो एलिवेटेड है और यह जो दो वॉटर बॉडीज है वो दो अलग अलग रिवर सिस्टम का हिस्सा है एक स्ट्रीम बी और एक स्ट्रीम ए यह दो अलग अलग रिवर सिस्टम का हिस्सा है इनको यह अलग कर रही है यह बॉडी अ प्लैंड इसी को बोलते हैं वॉटर डिवाइड अगर इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो हमें रियल एग्जाम्पल से समझना है तो वो हो सकता है अंबाला शहर अंबाला भी इसी तरीके का एक अपलैंड है जो कि दो रिवर सिस्टम को अलग करता है और वो दो रिवर सिस्टम कौन से हैं? एक रिवर सिस्टम है इंडस इंडस की वो ट्रिब्यूटरी जो कि इसको अलग करती है ये है सतलज पंजाब के इस तरफ और दिल्ली के उस तरफ मतलब पंजाब के उस तरफ एक यमुना रिवर बहती है जो कि गंगा रिवर सिस्टम है सो so बेसिकली कौन से दो रिवर सिस्टम को अलग करी है वो एक इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को और दो एक्चुअल रिवर्स कौन से डिवाइड हो रही है अंबाला से एक तरफ है सतलज और एक तरफ है यमुना यमुना इज अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर एंड योर दिस रिवर इज अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर Satlaj is a part of Indus. So two river systems are being divided by an elevated upland, which is Ambala in this case, and two river systems which are being divided or separated. It's one is Indus River System, the other is Ganga River system. I hope this is clear. Okay. Now we talk about in this paragraph, they are talking about the difference between the Himalayan river system and Penil peninsular river system. इसके अंदर जब आप बुक के अंदर पढ़ने जाओगे तो थोड़ा सा ना वो पैराग्राफ उसमें दे रखा है इसलिए थोड़ा सा आ, आ, बोरिंग हो सकता है पढ़ना मैं आपको एक टैबुलर फॉर्म में बता देता हूं उससे चीजें आसान भी हो जाएंगी और आप उसको अच्छे से याद भी कर पाओगे सो लेट्स ड्रॉ अ टेबल एक तरफ हमारे सामने है इंडस रिवर सिस्टम सॉरी एक तरफ है हमारे सामने हिमालयन रिवर सिस्टम जो कि मैं एच आर एस से डिनोट करूंगा और एक तरफ है पेनसुलर रिवर सिस्टम जो मैं पी आर एस से डिनोट करूंगा <coughs> पहली बात ये पेनिनसुला क्या होता है पेनिनसुला का मतलब होता है एक किस्म से आप इसको देखो दिस इज इंडियन पेनिनसुला दिस इज इंडियन सो सवाल उठता है ये पेनिंसुला होता क्या है पेनिनसुला मतलब होता है एनी लैंड मास विच इज बाउंड्रीड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री एज इस कोई भी लैंड मास जिसके तीन तरफ पानी हो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला और वहीं पे कोई लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी हो जाएगा उसे हम कहेंगे एक आईलैंड आप इंडिया का ये वाला पार्ट देखो इसमें देखो यहां पर है आपको मिलेगा अरेबियन सी यहां मिलेगा बॉब यानी बे ऑफ बंगाल और नीचे आपको मिलेगा इंडियन ओशन सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडियन पेनेंसुलर हम जिन दो रिवर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं वहां पर हम बात कर रहे हैं एक हिमालयन रिवर सिस्टम की और एक पेनेंसुलर रिवर सिस्टम की हिमालयन रिवर सिस्टम मतलब जो हिमालय में जिनका ओरिजिन है और जो ज्यादातर कहां पर फ्लो करती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ज्यादातर वो बॉब में गिरती है मगर कुछ यहां पर भी है मतलब एक मेन रिवर तो आपकी अरेबियन सी में भी कहती है इंडस वो हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे बट जो पेनिनसुलर रिवर मतलब सिस्टम है वो कहां से ओरिजिनेट होंगी हिमालय से और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होंगी वो कहां से ओरिजिनेट होंगी ऑफकोर्स पेनिनसुला से बाकी इनके अंदर क्या डिफरेंसिस है वो हम अब देखते हैं ओके okay. सो so, मैंने जैसे बताया था कि एक टेबल बनाते हैं एच का और एक पेनसुला रिवर सिस्टम का थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करना अपने आप अप चीजें हो जाएगी हिमालयन रिवर सिस्टम का ओरिजिन कहां से होगा सिंपल सी बात है हिमालय से होगा सो सबसे पहले क्या होगा ये ओरिजिन इसका ओरिजिन कहां होगा हिमालय और इसका ओरिजिन कहां होगा जाहिर सी बात है पेनिनसुला ओके okay. अब नेक्स्ट चीज है कि जो हिमालयन रिवर्स है वो बहुत ज्यादा लंबी हैं दे आर लॉन्गर इन कोर्स पहली चीज वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये देखो आप हिमालयन रिवर्स को देखो कोई रिवर यहां से निकल रही है तो पूरा ऐसे घूमते घूमते घुमाते घुमाते यहां जा रही है कोई रिवर यहां से जा रही है तो वो घूमते घूमते घुमाते यहां पर आ रही है कोई रिवर यहां से निकल रही है तो ऐसे ऐसे करके यहां से आ रही है आप देख रहे हो कि कितनी लंबी लंबी रिवर्स है तो ये क्या हिमालयन रिवर्स काफी लंबी रिवर्स है सो so, अगर मैं कोर्स की बात करूं तो इनका कोर्स क्या होगा इनका कोर्स होगा लॉन्गर और डेफिनेटली इनका कोर्स क्या होगा शॉर्टर रिलेटिवली शॉर्टर हम लंबा या छोटा कोर्स कैसे कहते हैं हम कंपैरिजन के कंटेक्स में कहते हैं लंबा छोटा की कोई एबसुलूट वैल्यू नहीं है कि 100 किलोमीटर के ऊपर गए तो लंबा हो गया 100 किलोमीटर के नीचे गए तो छोटा वैल्यू हो गया हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में जो पेनसुलर रिवर्स है वो छोटी होंगी अब जाहिर है इसके नेक्स्ट पॉइंट इसी के पॉइंट से निकलेगा अगर कोई भी नदी लंबी होगी तो डेफिनेटली क्या होगा उसका जो इरोजन होगा वो भी ज्यादा होगा क्योंकि लंबे समय तक वो क्या करेगी इरोड करेगी अगर आप एक सिंपल सी बात बताओ एक नदी जो कि 100 किलोमीटर चल रही है और एक नदी जो 50 किलोमीटर चल रही है ज्यादा इरोजन कौन करेगा अफकोर्स 100 किलोमीटर वाली चलेगी क्योंकि 100 किलोमीटर का लंबा रास्ता है उसके पास खोदने के लिए इरोड करने के लिए और पत्थरों को तोड़ने के लिए तो ऑफकोर्स देव अ दे विल हैव मोर इरोजन दे विल कॉज मोर इरोजन एंड दे विल कॉस वॉट लेसर इोजन इन कंपेरिजन ओके अब ये देखो ये हिमालयन रिवर्स कहां से निकल रही है पहाड़ों से निकल रही है कौन से पहाड़ है काफी ऊंचे हाइट के पहाड़ है जब ऊंचे हाइट के पहाड़ होंगे तो डेफिनेटली काफी यूथफुल होंगे मतलब उनमें खूब सारे वाटरफॉल्स बनेंगे खूब छलांग छलांग मार के चलेगी आपने देखा होगा कि अगर आपने रैपिड आपने देखा होगा जो लोग शौक रखते हैं जो लोग शौक रखते हैं राफ्टिंग का तो वो लोग जो है इन सारी प्लेसेस में जाते हैं मनाली ऋषिकेश और इन पहाड़ों में क्योंकि ये पहाड़ की हाइट काफी ज्यादा है ग्रेडेंट काफी ज्यादा है इसीलिए जो नदी है वो भी काफी यूथफुल स्टेज में रहती है मतलब काफी यंग स्टेज में रहती है खूब सारा इसमें एनर्जी होता है इसलिए इसको बोलते हैं यूथफुल और इनके मुकाबले ये जो है वो क्या होती है ये थोड़ी मच्योर होती है क्योंकि इनके उसमें इतना ज्यादा ग्रेडियंट आपको नहीं देखने का मिलेगा ये नॉर्मल अपना चलती रहती है ओके okay. तो ये भी हो गया यूथफुल भी हो गया और मच्छर भी हो गया इसके बाद और क्या हो सकता है और डिफरेंस क्या हो सकते हैं यूथफुल हो गया मोर इरोजन हो गया कोर्स लंबा हो गया ओरिजिन हिमालय हो गया अब आप एक बात समझो एक नदी में पानी कहां से आता है पानी दो ही तरीके से आ सकता है या तो वो नदी बारिश से पानी लेती होगी या तो वो क्या बोलते हैं ग्लेशियर से लेती होगी या तो फिर वो दोनों से लेती होगी तो जिसमें भी क्या होगा अब आप खुद ही सोचो कि हिमालयन रिवर्स में क्या हो रहा है ग्लेशियर से तो पानी मिल ही रहा है प्लस जो मानसून आता है उससे भी पानी मिलता है तो ऐसी रिवर्स में पानी हमेशा रहता है इसलिए इन रिवर्स को हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं क्या रिवर्स कहते हैं पेरेनियल और ये रिवर्स मेजरली डिपेंड करती हैं मॉनसून पे अपने वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए इसलिए इनको हम कहते हैं सीजनल रिवर्स ये सीजनल इन नेचर होते हैं ओके okay, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि जाहिर सी बात है कि हिमालयन रिवर्स क्या करती हैं बहुत ज्यादा इरोजन करती हैं कोई भी नदी जो बहुत ज्यादा इरोजन करेगी तो उससे क्या होगा उसकी जो कैविटी है वो बहुत ज्यादा डीप uh, हो जाएगी और इसके अलावा नदी भी लंबी है और इसके अलावा पानी भी दो तरीके से मिल रहा है uh, क्या बोलते हैं नदी बारिश बारिश से भी इसको पा, पानी मिल रहा है ग्लेशियर से भी पानी मिल रहा है तो डेफिनेटली ऐसी जो रिवर्स हैं वो क्या होंगी वो डीपर होंगी तो हिमालयन रिवर्स क्या है वो डीपर है और अगर ये डीपर है तो आपको पता है कि पेनसुलर रिवर्स उनके कंपेरिजन में क्या होगा वो थोड़ी सी शैलोवर होगी सो विद दिस वी कंप्लीट the difference between the two major river systems of india which is one himalayan river system and the second one is peninsular river system ab hum ye karne wale hain ki jo himalayan river systems ki teen pramukh nadiyan hain jisme aa jati hai indus ganga and brahmaputra इन तीन river systems को हम आज के पार्ट में complete करने की कोशिश करेंगे so, सबसे पहले हमारे को शुरुआत करनी पड़ेगी किसे Indus river system से उससे पहले हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं अपनी आसानी के लिए मैंने यहां पर हर स्लाइड पे एक मैप रखा हुआ है कि ताकि इससे हमारे को जो मेजर मेजर चीजें हैं उस रिवर के बारे में वो अच्छे तरीके से पता चल जाए सो so, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंडस रिवर है ये इंडस रिवर जो है इसका जो हम हर रिवर सिस्टम में क्या पढ़ने वाले उस रिवर का ओरिजिन यानी उसका सोर्स उसकी ट्रिब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज के बाद उसका माउथ कहां पर है और अगर कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे उस रिवर के बारे में तो वो मैं आपको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ के बता दूंगा सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम के ओरिजिन की बात करते हैं जिसका ओरिजिन यहां मानसरोवर लेक तो आपको पता ही होगी तो मानसरोवर लेक से ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है ये रिवर ऐसे करके इंडिया के लद्दाख में एंटर करती है मैं आपको यह बता दूं कि इंडस रिवर जो मेन रिवर स्ट्रीम है उस रिवर स्ट्रीम का जो मेन कोर्स है इंडिया के अंदर वो बहुत ही ड्यूरेशन के लिए इंडिया में रहती है वो ज्यादातर पाकिस्तान में जो है वो ट्रेवल करती है हालांकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो पांच प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं उनका बहुत ज्यादा कोर्स इंडिया में आपको देखने को मिलेगा खास करके तीन का देखते हैं वो कैसे होता है तो ये इंडस रिवर यहां से चलती है चलती है गिलगिट बल्टिस्तान से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है उसके बाद ये यहां से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब और उसके सिंध प्रांत से होते हुए सीधा गिर जाती है कहां पर अरेबियन सी में सो so, आपको दो चीजें पता चल गई एक इसका माउथ और एक इसका माउथ सोर्स और माउथ हमारे को अच्छी तरीके से पता चल चुका है अब इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसको देख लेते हैं इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं एक है हंजा रिवर एक है काबुल रिवर काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है हंजा इसलिए हम कह सकते हैं काबुल और हमजा दोनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी किसकी है। अभी देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली इंडस रिवर जैसे ही यहां मानसोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है तो यहां इंडिया में आने के बाद इसको दो नदियां ज्वाइन करती हैं कौन कौन सी दो नदियां एक नदी ये वाला जो ये वाली जो रिवर है इसको हम बोलते हैं रिवर। आपको मैंने इसके वाले चैप्टर, चैप्टर इसका जो पहला था, उसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ा था ट्रांस हिमालय का जो सबसे सदन ब्रांच है उसको हम जंसकर कहते हैं और ऊपर से आती है इसकी एक रिवर जिसे हम कहते हैं श्योक तो श्योक इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड ऑफकोर्स दर इज ऑलवेज क्वेश्चन कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा नदी का डायरेक्शन कहाँ मूव करने का आप उसमें थोड़ा सा आ, अपने आप को देखेगा और फिर जो रिवर इधर से आ रही है मतलब जो इधर से आ रही है वो लेफ्ट हो गई और जो उधर से आ रही है वो राइट right में हो गई कहने का मतलब यू जस्ट हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ अ रिवर एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड वेदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सो एक जंसका रिवर हो गई एक श्योक रिवर हो गई हमजा रिवर हो गई ये हमजा रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर काबुल रिवर यहां से कहीं से आती है सुलेमान रेंजेस के थोड़ा ऊपर से और उसके बाद इसको पांच मेन रिवर्स जो है वो ज्वाइन करती है जो कि है एक है झेलम जो कि जम्मू कश्मीर के स, यहां से निकलती है और यहां ज्वाइन करती है फिर उसके बाद चिनाब चिनाब निकलती है यहां कहीं से और फिर उसके बाद रावी ब्यास और सतलज ये सारी जो है वो पाकिस्तान में मिलती है एक पंचनाड नाम की जगह है मिथनकोट भी कहते मिथनकोट मिथन मिथनकोट है जगह जो है पाकिस्तान में और इसी के साथ हमारी इंडस्ट्री रिवर खत्म हो जाती है एक सिंपल सी बात बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बुक में मेंशन नहीं की गई है आ, मैं चाहता तो आपको पढ़ा देता बट आई थिंक वी विल वेट फॉर दिस इन क्लास इलेवंथ क्लास इलेवंथ में अच्छे से ट्रिब्यूटरीज दे रखी है हम क्लास इलेवंथ में उसको कवर करेंगे अभी नाइन्थ में आपको जितनी ट्रिब्यूटरीज दे रखी है हम उनको कवर करते हैं सिंपल सी बात है इंडस रिवर मानसरोवर के पास से निकलती है इसका ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान में रहता है जो मेन इंडस रिवर है इसके बाद ये रिवर जो है पाकिस्तान के पंजाब और सिंध इलाके से होते हुए अरेबियन सी में गिरती है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि सबसे पहले इसको जंसकर रिवर मिलती है फिर श्योक मिलती है हमजा और काबुल रिवर इसको आ, इसके कश्... पाकिस्तान में जाने में मिलती है और उसके बाद ये नीचे होते हुए नीचे गिर जाती है इन बिटवीन पांच इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें झेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलज नॉर्थ टू तो साउथ देखें तो यही ऑर्डर रहेगा झेलम कश्मीर से निकलती है चिनाब Uh, क्या बोलते हैं uh, हिमाचल से निकलती है uh, रावी भी हिमाचल से निकलती है ब्याज भी हिमाचल से निकलती है और सतलज वापस से लद्दाख से निकलती है इधर से कहीं और ये सारी जो रिवर्स है वो मिथन कोट में किससे मिलती है इंडस रिवर से मिलती है सो विद दिस वी कंप्लीट इंडस रिवर सिस्टम लेट्स गो फॉर अ क्विक रीडिंग रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर जैसे मैंने आपको बताया अपने वेस्ट में फ्लो करती है यू ऑलरेडी नो

इसके अलावा इंडस फ्लोस थ्रू बल्टिस्तान एंड गिलगिट बल्टिस्तान और गिलगिट ये वाला एरिया है इसे बोलते हैं गिलगिट और बल्टिस्तान का एरिया यहां पर रिवर फ्लो करती है और फिर उसके बाद द सतलज ब्यास रावी चिनाब झेलम ज्वाइंस टूगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिथनकोट इन पाकिस्तान ये सारी नदियां जो मेन पांच ट्रिब्यूटरीज हैं ठीक है थेके? तो ये पांच ट्रिब्यूटरीज जो है मिलती है मिथनकोट में इंडस से ठीक है बियॉन्ड दिस इंडस जो है फ्लो करती है साउथवर्ड आपको देखा आपने कैसे साउथ में आ रही है और उसके बाद ये रीच करती है अरेबियन सी में ईस्ट ऑफ कराची इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंदू बेसिन इज लोकेटेड इन लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब वेस्ट इन पाकिस्तान सो जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही है एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडस रिवर के अंदर कवर की गई है वो है इंडस वाटर ट्रीटी सो so, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन होती है आ, जब ये साइन होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम थी कि ये जो इंडस का जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस में अपना पानी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो उस वो कहीं ना कहीं उनका जो ओरिजिन है उनका जो इनिशियल फ्लो ऑफ वाटर है वो इंडिया के कंट्रोल में है और इसको लेके उनको काफी चिंता बनी हुई थी क्योंकि उनका ये जो पूरा एरिया है पूरा लैंड है ये एग्रीकल्चरल लैंड है अगर उनको यहां तक पानी नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी इसीलिए उनके प्रॉब्लम को एले करने में कम करने में एक ट्रीटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी का कहना यह था कि इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी जैसे कि देखिए यहां लिखा हुआ है According to the regulations of India was Indus Water Treaty, India can use only 20% of the total water carried by the Indus River system. यहाँ पे जो बात की गई है वो river system की बात की गई है। कहने का मतलब ये है कि Indus plus उसकी सारी tributaries का जितना पानी है, उसका केवल 20% ही use कर सकता है India। बाकी का 80% किसको use करना है? वो करना है पाकिस्तान को यूज करने का मतलब हो गया उसको एग्रीकल्चरल फील्ड में डाइवर्ट करना यानी उसका उसका पूरा कंजम्पशन कर लेना हालांकि उसके ऊपर अगर डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर उसका फ्लो का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं देन दैट डज नॉट ब्रीच द इंडस वाटर ट्रीटी सो दैट इज नॉट देन इन योर यूर कोर्सकोर्स यू हैव टू लर्न ओनली वॉट इज रिटन इन द बुक सो अकॉर्डिंग टू दैट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द ईयर इन विच इट वॉज साइंड एंड द परसेंटेज ऑफ वॉटर द बोथ कंट्रीज हैव टू Use it. So, uh, one is using 20%, one is supposed to use only 20%, and the other one is supposed to use 80%. And the important word is Indus River System. 20% of Indus River System. 80% of Indus River System. So, which includes the Indus River plus its tributaries. With this, we complete the Indus Water System. Next comes the Ganga River System. Let me tell you that, of course. Among all the three Himalayan rivers, Brahmaputra is the longest river followed by Indus and followed by Ganga. So the mnemonic that you can use to remember is big. B for Brahmaputra is the longest, I for Indus is the second longest, and Ganga is the third longest. But when we talk about its course in India, then Ganga river has the maximum length, maximum length Ganga has in India. So,

and uh, it is sad we should not be doing it. The governments have spent uh, enormous amount of money in uh, restoring the river Ganges, but I don't think that uh, much can much has been done till now. But let's see in future what can be done. So okay, to जहाँ तक रही गंगा नदी की बात, तो गंगा कहाँ से originate हो रही है? उसका source कहाँ से है? उसका source है उत्तराखंड में गंगा so, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ वाटर की तरह निकलती है जैसे कि इंडस निकल रही थी फ्रॉम कैलाश मानसरोवर सरोवर राइट तो तिब्बत के पास से निकल रही थी वो बट यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर ऐसा है कि दो स्ट्रीम्स हैं दो हेड वाटर स्ट्रीम्स हैं जो कि निकलती है एक है गंगोत्री से निकलने वाली ये गंगोत्री उसका सोर्स है और कौन सी रिवर कौन सी है भगीरथी मैं बी से उसको डेजिग्नेट करूंगा और ए है ए फॉर अलकनंदा और ये कहां से निकलेगी सतोपंथ ग्लेशियर से आई डोंट थिंक ये आपका सोर्स दे रखा है बट फिर भी मैंने आपको बता दिया तो दो रिवर्स हैं एक है भगीरथी और एक है अलकनंदा भगीरथी रिवर जो है वो कहां से निकल रही है गंगोत्री से जो कि हिंदुओं के उसमें एक तीर्थ स्थल भी है और जो ओरिजिनल ग्लेशियर है जहां से वो निकल रही है उसे हम कहते हैं गौमुख तो गंगोत्री या गौमुख से निकलने वाली भगीरथी और अलगनंदा जो है सतोपन ग्लेशियर से निकलने वाली ये दोनों ही स्ट्रीम्स जो है आके एक जगह मिलती हैं आपस में साथ में जिसे हम बोलते हैं देव प्रयाग आपकी बुक में ये देवी रखा है ये है देव प्रयाग यहां पे कन्फ्लुएंस होता है कन्फ्लुएंस मतलब जहां पर दोनों रिवर आके मिलती है इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस यू मस्ट गो एंड सी दिस ब्यूटिफुल प्लेस इसे बोलते हैं देव प्रयाग और जब भगीरथी और अलकनंदा का जो पानी है वो आपस में मिलता है वहां से शुरू होती है रिवर गंगा तो रिवर गंगा एक सिंगल रिवर नहीं है जहां जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हो रही है दो रिवर्स के मिलने से यानी दो हेड वाटर्स के मिलने से जो रिवर बन रही है उसे हम कहते हैं गंगा सो ये है देवप्रयाग देवप्रयाग से फिर उसके बाद वो हरिद्वार जाती है हरिद्वार इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस यू मस्ट गो एंड सी सो उसके बाद क्या होता है कि ये रिवर जो है पहले ये ऐसे करके ये उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में यह बहना शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में यह टूवर्ड साउथ ईस्ट बहना शुरू करती है यहां पर हम इसको पॉज देते हैं और हम समझते हैं इसकी एक और रिवर जो कि उत्तराखंड के एरिया से ही निकल रही है वो भी गंगोत्री के थोड़े से दूर वेस्ट साइड में इसे बोलते हैं यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना रिवर प्लीज इस बात को ध्यान रखेगा कि यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर की सबसे लंबी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर गंगा रिवर की सबसे लंबी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इन टर्न यमुना रिवर की भी तीन चार इंपॉर्टेंट छोटी छोटी हैं, जिनको कि आपको याद रखना है और वो का नाम है चंबल सिंध बेटवा और केन ये नाम यहां पर दिए हुए हैं इसलिए एम नॉट गोइंग टू राइट द फुल नेम्स बट आई एम गोइंग टू जस्ट राइट द इनिशियल लेटर्स चंबल सिंध बेटवा और केन अगर आपको इसको याद करना है तो इसका सिंपल सा निमोनिक बन सकता है सी चेन्नई सुपर किंग्स जो आप सब जानते हैं आईपीएल में एक टीम है उसके आगे बीच में बस बी लगाना है तो चंबल सिंध बेटवा और केन ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश का है और यहाँ पर ये रिवर्स छोटी छोटी रिवर्स जो है वो किससे मिलती हैं वो मिलती है यमुना से यमुना में अपना पानी देती हैं ये छोटी ट्रिब्यूटरी यमुना की है और यमुना इंटर्न ट्रिब्यूटरी है किसकी गंगा की और ये गंगा और यमुना का संगम जो होता है वो कहां पर होगा देव सॉरी प्रयागराज में होगा जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था तो आपने देख लिया यहां से ये रिवर उत्तर प्रदेश को छोड़ के बनारस से होते हुए बिहार में एंटर करती है और बिहार में इसको बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसमें अपना पानी कंट्रीब्यूट करती हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एक ट्रिब्यूटरी की जो कि अमरकंटक से आती है इसको बोलते हैं सन रिवर कुछ लोग इसको सोन रिवर के नाम से भी जानते हैं तो आप देख रहे हैं कि सोन रिवर इसकी क्या हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्योंकि इट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन बाकी दो तीन हिमालयन रिवर्स से भी आती है ये नेपाल के हिमालयस हैं। यहां से भी दो तीन ट्रिब्यूटरीज आती हैं और गंगा में अपना पानी को ज्वाइन करती हैं। जिसमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? एक है आपकी घाघरा दूसरी है आपकी कोसी तीसरी है आपकी गंदक सो ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो नेपाल के हिमालय से शुरू होती हैं और गंगा में अपना पानी कॉन्ट्रीब्यूट करती है घाघरा गंदक एंड कोसी दीज थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसके बाद होता यह है कि एक पॉइंट आता है गंगा रिवर का जब वो बंगाल में आती है और इसकी दो ब्रांचेस बट जाती हैं एक जो कि वेस्ट ईस्ट में जाती है और एक जो साउथ में जाती है जो साउथ में जाती है इसको हम बोलते हैं हुगली रिवर जो कि कलकत्ता शहर जिसके की बैंक्स पे बसा हुआ है यह हुगली रिवर और कोई नहीं बल्कि ये गंगा की ही एक ब्रांच है जो कि डिवाइड हो गई है और नीचे की तरफ जा रही है बे ऑफ बंगाल में मिलने के लिए इसके अलावा जो इसकी मेन ब्रांच है वो वेस्ट ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है इस तरफ मुड़ जाती है फरक्का डैम से ये दोनों डाइवर्ट हो जाती हैं ये ईस्ट में जाती है और बांग्लादेश में एंटर करती है जब बांग्लादेश में ये एंटर करती है तो इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं गंगा रिवर को हम बोलते हैं पद्मा रिवर क्या बोलते हैं इसे बांग्लादेश में गंगा रिवर को हम जानते हैं पद्मा रिवर के नाम से ये पद्मा रिवर ब्रह्मपुत्र यानी वहां बांग्लादेश में उसको जमुना बोलते हैं तो पद्मा और जमुना का मिलन होता है यहां और फिर ये रिवर नीचे की तरफ आती है मेघना बनके और यहां पर यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे हम कहते हैं सुंदरबन जो कि इंडिया में 40% और बांग्लादेश में 60 आपको देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड के पहाड़ों से दो हेड हैं एक भगीरथी दूसरी तरफ आती है, है अलकनंदा अलकनंदा और भगीरथी मिलती हैं देवप्रयाग पे और फिर उसके बाद ये रिवर नीचे डिसेंड करती है टूवर्ड्स द प्लेन जहां हरिद्वार में ये करती है। उसके बाद ये नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करती है और वहां पर ये मिलती है यमुना रिवर से यमुना रिवर क्योंकि सबसे लंबी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो उसको भी देख लेते हैं वो भी यमुनोत्री यानी एक उत्तराखंड का ग्लेशियर है वहां से निकलती है यमुनोत्री से निकलते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली से होते हुए इन सारी जगहों से होते हुए ये नीचे जाती है चंबल सिंध बेटवा केन इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं येट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मध्य प्रदेश में पानी सप्लाई करने वाला एरिया ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ये सारी जो रिवर्स है यमुना में अपना ट्रिब्यूटरी में पानी देती है और फिर यमुना रिवर जो है इन टर्न गंगा में जाके मिल जाती है और जहाँ पे मिलती है वो होता है संगम यानी हम उस सबको जानते हैं प्रयागराज के नाम से जिसका पूरा नाम इलाहाबाद था और फिर उसके बाद ये रिवर बनारस से होते हुए बिहार में घुसती है बिहार में इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो सन है जो अमरकंटक प्लेटो से निकलती है बाकी की तीन जो ट्रिब्यूटरीज हैं बिहार में घाघरा कोसी और गंदक ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं बिहार में काफी इनका ज्यादा इनकी वैल्यू है बोथ इन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे क्योंकि कोसी रिवर को बोला जाता है कि सोरो ऑफ बिहार है क्योंकि हर साल कोसी रिवर बहुत सारी बाढ़ लेके आती है बिहार वाले स्टेट में और फिर ये तीनों रिवर्स जो है गंगा में अपना पानी कंट्रीब्यूट करती हैं फरक्का नाम की एक जगह है बंगाल के अंदर जहां से पानी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है गंगा का एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश के अंदर जब वो बांग्लादेश में चली जाती है जो उसकी मेन ब्रांच होती है बांग्लादेश में जाती है जिसे हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं वो वहां पे ब्रह्मपुत्र यानी जमुना से मिलती है मेघना बनती है नई रिवर और फिर उसके बाद वो बनाते हैं सुंदरबन जिस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सिक्सटी जिसका एरिया इंडिया में है फोर्टी जिसका एरिया सिक्सटी परसेंट बांग्लादेश में है फोर्टी परसेंट इंडिया में है इसकी एक और ब्रांच जो फरक्का से डिवाइड होती है वो एक ब्रांच है हुगली रिवर जो कि जिसके की पे बद, बसा है हमारा बहुत ही पुराना शहर कोलकाता शहर सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस थिंग इसके अलावा नमामि गंगे क्या है ये एक रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम है इसको देखिए द नमामि गंगा प्रोग्राम इज एन इंटीग्रल कंजर्वेशन मिशन अप्रूव as a flagship program by the union government in june 2014 to accomplish the two in objectives of effective abatement of pollution conservation and rejuvenation of national river ganga so ek kisam ka mission hai namami gange program 2014 mein shuru kiya gaya tha iska maksad ye tha ki hum ganga river ko bachaye restore kare aur bas that's it और ये सारी चीजों के अंदर मैंने आपको वही चीज बताया है जो कि आपको explain किया हुआ है ये सारे उसके अंदर वही simple सी चीज है अब सवाल उठता है हमारी तीसरी रिवर का जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर वैसे तो ये तीनों ही हिमालयन रिवर्स में से सबसे लंबी रिवर है बट इस रिवर का ज्यादातर जो कोर्स है वो चाइना में है फिर इंडिया में है और फिर बांग्लादेश में है सवाल उठता है कि ये रिवर है ये कहां से निकलती है आपने याद होगा कि आपने इंडस पढ़ा था जो मानसरोवर के पास था यहां पर उसी मानसरोवर के पास से यह रिवर यहां से निकलती है इस जिस ग्लेशियर से यह निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है चीमा युंग डुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है चीमा युंग डुंग ग्लेशियर तिब्बत में ही यह चलती रहती है नेपाल के नॉर्थ में यह नेपाल है और यह चाइना तो तिब्बत में ही घूमती रहती है घूमती रहती है और उसके बाद इसका टर्न लेते हुए दिहांग जोर से यह इंडिया में एंटर करती है और फिर उसके बाद इंडिया में थोड़ा बहुत ये चलती है और उसके बाद धुबरी नाम की एक जगह है जहां से ये फिर बांग्लादेश में एंटर करती है बांग्लादेश में इसका दूसरा नाम है इंडिया में इसका दूसरा नाम है और चाइना में इसका दूसरा नाम है चाइना में अगर मैं आपको बात करूं तो चाइना में इसे बोलते हैं सेंगपो रिवर टी एस ए एन जी पी ओ बहुत सारे लोग कहते हैं टी साइलेंट है एक्चुअली टी साइलेंट नहीं है उनकी भाषा में ये जो टंग है वो ऊपर पैलेट को टच करती है इसको बोलते हैं सैंगपो सो so, वो सैंगपो है जब तक वो तिब्बत में रहती है तिब्बत के बाद जब वो यहां पर रहती है तो उससे बोलते हैं जब ये दिहांग से एंटर करती है क्योंकि यहां पर एक जॉर्ज है सवाल उठता है ये जॉर्ज क्या होता है जब नदी चल रही है और उसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे वर्टिकल वॉल्स हैं तो उसे हम बोलते हैं जॉर्ज इसी जॉर्ज से यहां पर एक जॉर्ज है जिसको बोलते हैं दिहांग जॉर्ज इस दिहांग जॉर्ज से ये रिवर एंटर करती है और ये जो दिहांग जॉर्ज है ये किस माउंटेन का पार्ट है नामचा बरवा नामचा बरवा तो नामचा बरवा नाम का पहाड़ है उसके अंदर एक दिहांग जॉर्ज नाम की जगह है वहां से ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है इंडिया में इसलिए इस पोर्शन में इसका नाम दिहांग होता है और सदिया के बाद सदिया जो है अपर आसाम में आता है सदिया से लेके धुबरी तक सदिया से लेके धुबरी तक इसको हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं और फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं और जब ये जमुना पद्मा से मिलती है तो बन जाती है मेघना और फिर ये बनाते हैं वही सुंदरवन का डेल्टा जिसका फोर्टी इंडिया में सिक्सटी बांग्लादेश में सो मैंने आपको बताया कि ये रिवर के नाम अलग अलग हैं चाइना में इसे सेंगपो कहते हैं इंडिया के अंदर इनिशियल पार्ट में इसे दिहांग कहते हैं फिर ब्रह्मपुत्रा कहते हैं फिर उसके बाद इसे जमुना कहते हैं अलग अलग इसके नाम है एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर समझनी पड़ेगी ब्रह्मपुत्र के बारे में कि जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत वाले पार्ट में रहती है मतलब यहां से लेकर जब तक वो यहां रहती है तो इसका जो पानी है उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर काफी कम होता है फॉर ऑब्वियस रीजन एक तो क्लाइमेटिक रीजन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है हायर लैटिट्यूड है इसकी वजह से यहाँ पे काफी ठंड रहती है कोल्ड एयर आती है सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट से वहां से भी ठंडी रहती है इस ठंड के होने की वजह से ग्लेशियर से पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं पिघलता है इसलिए यहां से लेके यहां तक इसमें पानी काफी कम होता है पर अचानक जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम सदिया टू दिस रीजन दैट इज कॉल्ड एज धुबरी इस रीजन के बीच में ये काफी ज्यादा रेनफॉल होती है क्योंकि इंडिया रिसीव इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया में से एक एरिया है ये का एरिया। और इसमें पानी का और इसके अलावा एक और चीज दिस रिवर इज नोन फॉर इट्स ब्रेडेड चैनल नाउ द क्वेश्चन वॉट इज ब्रेडेड चैनल जब आप फ्लाइट से ऊपर की तरफ उड़ते हो और आप नीचे देखते हो तो आपको नदियों में कभी कभी ऐसी चीज दिखेगी जैसे ये रिवर है तो उसके बीच में कहीं कहीं रेत के ऐसे ऐसे सैंड बार्स दिखेंगे और रिवर कैसे दिखेगी यहां से बहती हुई फिर यहां से बहती हुई फिर यहां से बहती हुई, हुई फिर अचानक से यहां से फिर बीच में एक, -एक सैंड बार आ जाएगा फिर ऐसे हो जाएगी कुल मिला के इस तरीके से बीच-बीच में से डिवाइडेड ब्रांचेस में दिखेगी इसी को बोलते हैं ब्रेडिड चैनल तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी जानी जाती है अपनी ब्रेडिड चैनल की वजह से तो वो है ब्रह्मपुत्र ऐसे ही ब्रेडिड चैनल की वजह से खूब सारे सैंड बार के डिपोजिशन के वजह से बहुत बार आइलैंड भी बन जाते हैं इस नदी के ऊपर इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी इसी नदी के ऊपर है जिसका नाम है मजुली आइलैंड एमए जे यू एल आई यू विल फाइंड दिस इन योर टेक्स बुक सो डोट वरी मजूली इज ऑल्सो वॉट इट्सैंडलैंड एक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सो ये चीज हो गई इसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें हाँ एक आ, दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसको हम देख लेते हैं एक है लोहित एक है मानस और एक है जैसे ये दिहांग ज, दिहांग जॉर्ज था दिहांग नदी का नाम था बस एच को हटा के बी कर दो तो, तो दिबांग दिबांग इसकी एक ट्रिप्यूटरी हो गई यही तीन ट्रिप्यूटरीज आपकी बुक में मेंशन है इसलिए मैंने आपको यही कराया है इसके अलावा और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं लगभग पंद्रह ट्रिब्यूटरीज है बट इफ इट इज नॉट मेंशन इन योर बुक देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग इट यू विल रीड इट व्हेन यू स्टडी इट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम और यू रीड इट इन क्लास इलेवन सो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आए विद दिस वी कंप्लीट ऑल द थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स एक है हिंडस एक है गंगा एक है ब्रह्मपुत्र हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी कर ली अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा और आ, इसके अलावा हम बहुत जल्दी पार्ट टू के साथ आएंगे पार्ट टू में हम जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम में हमारा जो बचा हुआ है हम उसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ लेक्स को भी कंप्लीट करेंगे टिल देन कीप स्टार्टिंग थैंक यू सो मच